आदिवासी का जमीन को उसका जो कल्चर है, उसका जो रिलीजियस है, उसका जो रिचुअल सिस्टम है, उसे छीना जा रहा है। पीडीसी साहब के पास जाकर के कहेंगे कि जो रजिस्ट्री किया है उसको जांच करिए, जो सीओ ने इसको रसीद काटा है उसको जांच करिए और उसको पनिशमेंट करिए और उसका रसीद को और सारा चीजों को रद्द करिए। जमीन लूटा जा रहा, सामाजिक स्थल लूटा जा रहा, जहाँ जतरा सिंदरा लगा वहाँ को भी खत्म किया जा रहा, तो फिर आदिवासी बचेगा कहाँ? सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की मिलीभगत से झारखंड में लगातार आदिवासियों की जमीन छीनने का काम किया जा रहा है। उक्त बातें बिशुनपुर विधायक चमरा लिंडा ने अपने उद्बोधन में कही। वह गुरुवार को गुमला के पुगु नवाटोली स्थित सरना मैदान में आयोजित सरना धर्म जमीन बचाओ महारैली में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित थे। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन रात दिन छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आदिवासी संक्रमण काल से गुजर रहा है, क्योंकि आदिवासियों की पहचान उनकी जमीन से है। श्री लिंडा ने कहा कि जमीन से ही आदिवासियों की संस्कृति है, जमीन ही आदिवासियों का धर्म है, जमीन पर ही आदिवासियों का सरना है। समाज विज्ञान के शास्त्रियों का कहना है कि पूरे विश्व से धीरे धीरे आदिवासी समुदाय का ह्रास हो रहा है, यह विश्व का सबसे पुराना धर्म है। वहीं कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित सिसई विधानसभा क्षेत्र के विधायक जिगा सुसारण होरो जिगा मुंडा ने कहा कि हम सरना स्थल की जमीन के लिए हमेशा आंदोलनरत रहे हैं, धर्म संस्कृति की रक्षा हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में जतरा है, हमारी संस्कृति पूजा है और जहाँ जहाँ पर हमारी पूजा स्थल और जतरा स्थल है, वह जमीन अगर जबरन हस्तांतरित की गई तो इसके लिए आदिवासी समुदाय आवाज उठाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी सरकार आदिवासी सरना मूल वासियों के लिए लगातार काम कर रही है और जिस जमीन के लिए आज यहाँ पर हजारों लोग उपस्थित हुए हैं, जमीन की आवाज भी हम सरकार तक पहुँचाएंगे ताकि हमारी संस्कृति के साथ न्याय हो सके। सरना धर्म जमीन बचाओ महारैली में मोटरसाइकिल सवारों का बहुत बड़ा जत्था शामिल हुआ। अनुमान के अनुसार लगभग 2000 मोटरसाइकिल सवार इस रैली में शामिल हुए। मोटरसाइकिल रैली नागपेनी से लगभग 20 किलोमीटर तय कर गुमला जिला मुख्यालय पहुंची, जहां सबसे पहले पुगु नवाटोली स्थित कार्यक्रम में लोग शामिल हुए। तत्पश्चात वहां से निकलकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर रैली का समापन हुआ। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने के बाद चमरा लिंडा और जिगा मुंडा ने कहा कि यह लाखों लोगों की आस्था का सवाल है, इसलिए इस मामले में गंभीरता से न्यायपूर्वक विचार किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने एसडीओ रवि जैन को मामले की छानबीन का आदेश दिया। संक्रमण काल से गुजर रहा है, उसका मुख्य कारण है आदिवासी का प्रकृति से लगाव को छीना जा रहा है। आदिवासी का जमीन को उसका जो कल्चर है, उसका जो रिलीजियस है, उसका जो रिचुअल सिस्टम है, उसे छीना जा रहा है, तो आदिवासी दूर होता जा रहा है। और इसीलिए उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने इस गुमला में भी पाया। गुमला में भी ऐसे भी हम लोग पा रहे हैं कि ये छीन होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है इसका कल्चर, इसका सारा चीज़। तो यही एक ऐसा जमीन था, जायदाद था और है, जिसको 1946 में यहाँ का राजाओं ने आदिवासियों को पूजा पाठ करने के लिए दे दिया, यहाँ का पहाड़ों को दे दिया। और हम लोगों ने खतियान में देखा कि सारे कैफियत में भी आदिवासियों के नाम से लिया है और उन लोगों ने हुक्मनामा करके सभी कुछ करके प्रदान कर दिया। अब 1996 में इन लोगों ने येन केन प्रकारन रसीद कटवा लिया और गलत तरीके से, नाजायज तरीके से कटवाने के बाद उसको फिर से अभी 2020 में इन लोगों ने किसी दलालों को फिर से बेच दिया। यहाँ पूजा पाठ होता रहा है, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, पिछले 20 सालों से कई राज्यों के आदिवासी यहाँ पर आते हैं, इंस्पायरेशन होते हैं, उड़ीसा से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, नेपाल से आते हैं और वहाँ भी अपने सामाजिक और धार्मिक चीज़ों को वो लोग इंस्पायर होकर के बचाने का काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा केंद्र है, ऐसा जगह है जहाँ से इसकी बचाव का फैलाव सारे भारत देश में हो रहा है। ये बात मैं नहीं कर रहा, मैं ये बात एंथ्रोपोलॉजिस्ट कर रहे हैं, ये बात सोशोलॉजिस्ट कर रहे हैं और हम लोग भी जानते हैं कि किस तरह से इस देश में, इस वर्ल्ड में आदिवासियों का जो सबसे प्राचीनतम धर्म, दुनिया का सबसे प्राचीनतम जो रिलीजन है, उसका ह्रास पूरा दुनिया में हो रहा है। तो जमीन पर ही आदिवासी का जिंदगी और उसकी धर्म और उसकी संस्कृति, उसकी सरना, उसका आंकड़ा, उसका पूजा पाठ, उसका सिंदरा, एवरीथिंग जमीन पर ही बेस है। जमीन छीन जाएगा तो जाहिर है कि उसकी कल्चर छीन जाएगी। जैसे हम लोगों ने देखा एचईसी में 32 गांव चले गए, 32 गांव का सरना कहाँ चला गया, भुइयरी कहाँ चले गए, वहाँ के लोग कहाँ चले गए, वहाँ पॉपुलेशन नील हो गया। इसी तरह से गुमला जिला में भी ये एक बचा हुआ जगह था
जिस पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया और खरीद बिक्री कर लिया है। हम लोग इसको किसी भी स्थिति में आज अभी डीसी साहब के पास जा करके कहेंगे कि जो रजिस्ट्री किया है उसको जांच करिए, जो सीओ ने इसको रसीद काटा है उसको जांच करिए और उसको पनिशमेंट करिए और उसका रसीद को और सारा चीज़ों को रद्द करिए यहाँ से। मना ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों ऐसे होते हैं कि हमारे समय समय पर हमारा आवाज़ उठाना पड़ता। आप हमको आपको लोग बता दे रहे हैं कि सबसे पहले तो आदिवासी लोगों का जत्रा होता है, पूजा पाठ होता है, जल जंगल जमीन होता है। अगर यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि कार्तिक बाबा का पुण्यतिथि दिन रात भर मतलब सामाजिक कार्यक्रम होता है। अभी भाई जी ने बताया कि उड़ीसा बंगाल सभी जगह रांची सभी जगह से लोग आते हैं, तो हर जगह पूजा स्थल को तो सुरक्षित रखा जाता है। तो हम तो सामने आएंगे, सरकार भले मेरी होगा, लेकिन ये आवाज़ आज आप देख रहे हैं कि पूरे जनता आए हैं और हम लोग इसी के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं कि डीसी को भी हम लोग देंगे कि आज आप लोग जान लो आज कि हर जगह सामाजिक स्थल मैंने आदिवासियों को ख़त्म किया जा रहा है, जमीन लूटा जा रहा है, सामाजिक स्थल लूटा जा रहा है, जहाँ जतरा सिंदरा लगा वहाँ को भी ख़त्म किया जा रहा है, तो फिर आदिवासी बचेगा कहाँ? आज कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा, आज संदेश जाएगा। और कुछ भी थोड़ा इधर उधर होता है, ये चीज़ को तो हमको आवाज़ उठाना ही है। और ये समाज के लोग हैं, सारे सामाजिक और सामाजिक चीज़, और आज हम सामाजिक मैटर में बात करेंगे, आज सामाजिक स्तर से हम आए हैं। उसके बाद ही हम लोग अभी मैंने जितना भी हम लोग जो अभी दादा बोला कि हम लोग देंगे डीसी साहब को, जो सीओ ने दखल कर्ज किया है उसको रद्द करने के लिए देंगे और डीसी साहब को हम लोग देंगे। अभी बात करेंगे हम लोग, और आप लोग को भी हम आप लोग से मदद करना चाहते हैं। किसी भी सामाजिक स्थल किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति धर्म का इस तरह से नहीं होना चाहिए। कहे कि यानी जरूरत पड़ी तो सरकार के खिलाफ भी आप लोग जा सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि सरकार का खिलाफ में जाएंगे, हम जाएंगे और सरकार को भी हमने बताएंगे कि आज इस यहाँ का परिस्थिति किस तरह से रहा, कैसे रहा। हम लोग लिखित रूप से निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। पहले तो ये जमीन जायदाद का यहाँ का देखेंगे तब ना उसको हम लोग बताएंगे। यानी आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई है, उस लड़ाई में आप लोग हैं, सामाजिक लड़ाई है, समाज की लड़ाई। चलिए बहुत अच्छा मना ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों ऐसे होते हैं कि हमारे समय समय पर हमारा आवाज़ उठाना पड़ता। आप हमको आपको लोग बता दे रहे हैं कि सबसे पहले तो आदिवासी लोगों का जत्रा होता है, पूजा पाठ होता है, जल जंगल जमीन होता है। अगर यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि कार्तिक बाबा का पुण्यतिथि दिन रात भर मतलब सामाजिक कार्यक्रम होता है। अभी भाई जी ने बताया कि उड़ीसा बंगाल सभी जगह रांची सभी जगह से लोग आते हैं, तो हर जगह पूजा स्थल को तो सुरक्षित रखा जाता है। तो हम तो सामने आएंगे, सरकार भले मेरी होगा, लेकिन ये आवाज़ आज आप देख रहे हैं कि पूरे जनता आए हैं और हम लोग इसी के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं कि डीसी को भी हम लोग देंगे कि आज आप लोग जान लो आज कि हर जगह सामाजिक स्थल मैंने आदिवासियों को ख़त्म किया जा रहा है, जमीन लूटा जा रहा है, सामाजिक स्थल लूटा जा रहा है, जहाँ जतरा सिंदरा लगा वहाँ को भी ख़त्म किया जा रहा है, तो फिर आदिवासी बचेगा कहाँ? आज कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा, आज संदेश जाएगा। और कुछ भी थोड़ा इधर उधर होता है, ये चीज़ को तो हमको आवाज़ उठाना ही है। और ये समाज के लोग हैं, सारे सामाजिक और सामाजिक चीज़, और आज हम सामाजिक मैटर में बात करेंगे, आज सामाजिक स्तर से हम आए हैं। उसके बाद ही हम लोग अभी मैंने जितना भी हम लोग जो अभी दादा बोला कि हम लोग देंगे डीसी साहब को, जो सीओ ने दखल कर्ज किया है उसको रद्द करने के लिए देंगे और डीसी साहब को हम लोग देंगे। अभी बात करेंगे हम लोग, और आप लोग को भी हम आप लोग से मदद करना चाहते हैं। किसी भी सामाजिक स्थल किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति धर्म का इस तरह से नहीं होना चाहिए। कहे कि यानी जरूरत पड़ी तो सरकार के खिलाफ भी आप लोग जा सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि सरकार का खिलाफ में जाएंगे, हम जाएंगे और सरकार को भी हमने बताएंगे कि आज इस यहाँ का परिस्थिति किस तरह से रहा, कैसे रहा। हम लोग लिखित रूप से निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। पहले तो ये जमीन जायदाद का यहाँ का देखेंगे तब ना उसको हम लोग बताएंगे। यानी आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई है, उस लड़ाई में आप लोग हैं, सामाजिक लड़ाई है, समाज की लड़ाई। चलिए बहुत अच्छा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।